तो नगरोटा के नियर बाय यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध पीर बाबा। तो ये देखिए पीर बाबा, अभी हम आए हैं दरगाह पंच पीर बाबा। ये पीर बाबा इस नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं पीर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। आई होप ये व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अपनी जो भी विशेष होंगी वो मांग लीजिएगा अपने पीर बाबा जी से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद शुभम। तो ये है दूसरा एपिसोड। तो अभी हम पीछे आप देख ही सकते हैं, हम आए हैं दरगाह में पांच पीर, तो नगरोटा वाली साइड है। तो अभी हम आपको बताते हैं अंदर के विजुअल्स। तो चलते हैं बाबा के पास। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी मैं एंटर कर चुका हूँ यहाँ पर जगह पर। तो काफ़ी बेहतरीन जगह है, तो देख सकते हैं आप ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। आसपास की रौनक आप देख सकते हैं। तो ये है जी जो जगह है जो बाबा पांच पीर के नाम से जानी जाती है, ये जम्मू में है। वो सबसे पुरानी दरगाह है। वो देख सकते हैं यहाँ पे दीपक जल रहे हैं और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान है। अभी मौलवी साहब नहीं थे यहाँ पे, तो नहीं तो हम आपको मिला देते उनसे। तो ये लोगों ने मन्नतें मांगी हुई हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो ताला खोल के जाते हैं, अपना धागा खोल के जाते हैं। यहाँ पर जो भी आता है रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है। बाबा जी की इतनी कृपा रहती है कि जो भी इनको मान के चलता है हर मुराद उनकी पूरी होती है। ये जम्मू में प्रसिद्ध हैं, पांच पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं बाबा जी। दर्शन करते चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग के थ्रू। बाबा जी के दर्शन कीजिए और आप भी इस ब्लॉग के थ्रू बाबा जी से कुछ मांग सकते हैं, वो डेफिनेटली आपकी दुआ पूरी होगी। तो यहाँ पर मैं जगह जगह देख रहा हूँ, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, धागे बांधे हुए लोगों ने। देखिए ये मन्नतें की हैं लोगों ने और मन्नतें लोगों की पूरी होती है यहाँ पे, मान्यता है। काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत जगह मुझे ये देखने को मिली आज। तो यहाँ पे आज हमने विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। नजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं है। जेदी बां फड़ लें दे छोड़ दे नहीं। परीत नु तोड़ दे नहीं। जेदी बां फड़ लें दे छोड़ दे नहीं। दर पे आए सवाल नु तो गाइस हमने बाबा जी के दर्शन अभी कर लिए हैं। तो यहाँ से मैं बैक वाली साइड आपको थोड़ा नेचर बता देता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। ये सिद्रा का पुल यहाँ से देखने को मिल रहा है और ये क्लाउड्स कितने बेहतरीन लग रहे हैं यहाँ पे। तो मैं और मेरे पापा यहाँ पे आज विजिट किए हुए हैं, तो बेहतरीन जगह। ये जो दिखाई दे रहा है, हमारे डोगरों में कहते हैं दहान। तो ये लकड़ियां लगा के जैसे बड़ा सा चूल्हा होता है, तो ये बाबा जी के लिए यहाँ पे भोजन वगैरह पकाते हैं। तो जो श्रद्धालु आए होते हैं तो उनको भी खिलाते हैं, ये वो चीज़ है। और पीछे का नज़ारा ये है, ये सामने सूर्यपुत्री तभी दिखाई देगी आपको। ये बहुत ही अच्छा व्यूज लगने। यहाँ पे अभी गार्डनिंग हो रही है, मतलब गार्डन की सफाई हो रही है यहाँ पे। तो अंदर तो हमने बाबा जी से रूबरू बातें कर ली। तो टंकी फुल हो चुकी है इनकी, पानी बंद कराना पड़ेगा इनका। तो ये आप देख सकते हैं पेड़, यहाँ पे भी इनकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं तो यहाँ पे विशेष पूरी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मैं तो काफ़ी इसी जगहों को मानता हूँ। तो आप भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस जगह को देखिए और आप भी इंजॉय कीजिए और मन्नतें मांगिए। आप भी, आपकी भी डेफिनेटली मन्नतें पूरी होंगी। तो अभी हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, तो अभी हम आ चुके हैं बाहर। तो बाहर का कुछ विजुअल्स आप देखते चलिए मेरे साथ। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस, गार्डन की खूबसूरती देखते चलिए मेरे साथ। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ का नज़ारा देखने को मुझे मिला। मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके कि आज मैं बाबा के दरगाह में आया, तो मेरा मन शांत हो गया।
तो इस ब्लॉग के सेकंड चैप्टर को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप ये ब्लॉग भी आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। तो मैं आपको पूरा जम्मू का कोशिश करूँगा, टूर का पूरा सफ़र कराऊँ पूरा जम्मू का। तो अभी हम गए थे दरगाह पीर बाबा जी का, तो दरगाह पे अभी हम होके आ चुके हैं। तो मैं आपसे लेता हूँ अभी इजाज़त, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम।